हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलीनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज नंबर 2B का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये वीडियो का पार्ट नंबर है 51 और ये मैथमेटिक्स के साइड बुक का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या है। इफ़ 2 एंड -2 आर टू जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 34x² माइनस 4x प्लस 120। स्टूडेंट्स, आपको एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया हुआ है, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के कितने पॉसिबल जीरोज होते हैं? 4 होते हैं, क्योंकि इसकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 4। तो उस 4 जीरो में से आपको 2 जीरो गिवन है, तो बाकी जो 2 जीरोज बचे वो क्या करना है आपको? फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल, कि आपको इन दोनों जीरोज के अलावा जो बाकी 2 जीरोज होंगे वो आपको फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात बताता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन नंबर है 15। तो इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 14 था, वो मैंने पार्ट नंबर P42 में उसको सॉल्व किया हुआ है। तो उसमें जो मेथड हमने अप्लाई किया है, आज उसके अनदर दूसरा मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को भी देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो मेन मेथड है वो क्या है, और आज हम आपको दूसरे वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं, जो थोड़ा सा इजी भी है इन कंपैरेटिवली ऑफ प्रीवियस मेथड। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक नोट है पहले से, आप देख लीजिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जनरल फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स, इसके कितने पॉसिबल जीरोज होंगे? जैसे हमारे पास भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल था, इसके 2 जीरोज थे, बाकी 2 फाइंड करने थे, यानी कि टोटल 4 जीरोज होते हैं, तो इसके भी 4 जीरो होंगे। तो चारों जीरो हमने मान लिया क्या है? अल्फा, बीटा, गामा एंड लैम्डा आर 4 जीरोज ऑफ पी एक्स। इसके कितने जीरोज होंगे? ये 4 जीरोज होंगे। तो स्टूडेंट्स, जो जीरोज और कॉफिशेंट्स में जो रिलेशन होती है, उसमें मैंने पहली और लास्ट रिलेशन लिखी हुई है। देखिए, पहला होता है सम ऑफ जीरोज, वो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए, वेयर बी इज कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब एंड ए इज कॉफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर 4। और एक लास्ट रिलेशन होती है स्टूडेंट्स की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा गामा एंड लैम्डा, उसमें क्या आता है आपका? ई अपॉन ए, वेयर ई इज कॉन्स्टेंट एंड ए क्या होता है आपका? एक्स टू द पावर 4 का कॉफिशियंट, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स का कॉफिशियंट। तो हम स्टूडेंट्स इन्हीं दोनों रिलेशन को यूज़ करके और इस जो हमारे पास पॉलीनोमियल गिवन है उसके बाकी 2 जीरोज निकाल देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू, जो हमें पॉलीनोमियल गिवन है वो ये है। अब आप सपोज कर लीजिए कि लेट अल्फा बीटा आर रिक्वायर्ड जीरोज अदर देन 2 एंड -2। देखिए स्टूडेंट्स, आपको 2 एंड -2 2 जीरोज ऑलरेडी गिवन थे, तो आपको 2 जीरोज और चाहिए, तो आपने वो बाकी जो 2 जीरोज थे वो क्या मान लिए? अल्फा इंटू बीटा। नाउ जो आपकी ये रिलेशन होती है, जो फर्स्ट और सेकंड होती है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? पहले निकालेंगे हम सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है स्टूडेंट्स? वो होता है आपका माइनस बी बाई ए। तो स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोज क्या होगा? हमारे जीरोज क्या हैं? अल्फा बीटा 2 एंड -2, तो कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 एंड प्लस -2। ये तो हुआ सम ऑफ जीरोज, यानी कि चारों जीरोज का सम इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस साइन तो रहेगा ही, बी क्या होता है? कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, वो कितना है? 1। और अपॉन ए क्या है? कॉफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर 4, वो भी कितना है? 1। तो इसे सॉल्व कर लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से जो हमारे पास बचा वो कितना बचा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लीजिए। अगेन देखिए स्टूडेंट्स, जो दूसरी रिलेशन होती है वो, जो लास्ट रिलेशन होती है वो होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखिए हमारे पास चारों जीरो क्या हैं? अल्फा इंटू बीटा, और जो बाकी 2 जीरोज हैं वो क्या हैं? 2 एंड -2 इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए हमने यहाँ पर 4 जीरो होते हैं ना, अल्फा बीटा गामा और लैम्डा, तो गामा और लैम्डा की जगह पे हमारे पास 2 एंड -2 है, इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स ई बाई ए। तो वेयर ई क्या होता है? ई होता है कॉन्स्टेंट टर्म, यानी कि 120, और अपॉन ए, ए जो होता है, देखिए ए जो होगा वो एक्स टू द पावर 4 का कॉफिशियंट होगा, यानी कि 1 होगा। तो इसे भी सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये देखिए 2 इंटू -2 हो जाएगा -4, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 120, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 120 और अपॉन -4। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, और 4 से जब आप 120 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13। तो यहाँ से हमारे पास आ गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -30। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लीजिए।
अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा एम यहाँ पर ये है कि दो जीरोस तो पहले से पता थे हमें, और बाकी जो दो रिक्वायर्ड जीरोस हैं अल्फा और बीटा, वो हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारी पहली इक्वेशन बनी है वो अल्फा और बीटा की एक लीनियर इक्वेशन बनी है। अगर आप किसी तरह से एक अल्फा माइनस बीटा की इक्वेशन ले आएँ, एक कोई इक्वेशन ले आते हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करके, जैसे आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ी है, उसके किसी भी मेथड से सॉल्व करके हम इजीली अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं। तो हमारा एम ये है कि हमें अल्फा और माइनस बीटा चाहिए। तो एक फार्मूला है स्टूडेंट्स, इसे आप याद कर लीजिए, ये कई जगह यूज़ होता है और आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता हो, और अगर आपको अल्फा माइनस बीटा पता करना हो, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। जब आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, उसमें से 4 अल्फा बीटा को माइनस करेंगे, तो वो इसका होल स्क्वायर बनेगा। अब इस फॉर्मूले में हम जो जो वैल्यूज हमें पता है वो सब पुट कर देते हैं। तो देखिए हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हमें पता है कितना है, माइनस 1, तो यहाँ पर रख देते हैं माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू, और अल्फा इंटू बीटा भी पता है हमें कितना है, माइनस 30। इसे जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो याद आएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 4 थीटा हो जाएगा 12, यानी कि इसका सम आ गया आपका 121। तो देखिए स्टूडेंट्स, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 121 है, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चल जाएगा, तो रूट ऑफ 121 दैट इज 11। तो फाइनली जो हमारे पास आ गया वो आ गया अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 11। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा एम था वो हमें मिल गया, हमें अल्फा प्लस बीटा में भी इक्वेशन मिल गई है और अल्फा माइनस बीटा में भी इक्वेशन मिल गई है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और अल्फा और बीटा की वैल्यू पता कर लेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों इक्वेशंस लिख दिए हमने। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लस का बीटा है और यहाँ माइनस का बीटा है, तो अगर हम इसको ऑन एडिंग कर दें इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को अल्फा बीटा की, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा और अल्फा ऐड हो जाएगा तो 2 अल्फा हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 1 में 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो 10/2 हो जाएगी, यानी कि कितना हो गया, 5, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब ये जो अल्फा की वैल्यू है आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। तो अल्फा की वैल्यू जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, तो यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 1। तो फाइनली जो बीटा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस 1, और 5 अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस 5, यानी कितना आ गया, माइनस 6, यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 6। तो हमने जो सपोज किया था स्टूडेंट्स, हमने 10 अल्फा सपोज किया था और 10 हमने बीटा सपोज किया था, तो अल्फा की वैल्यू 5 आ गई और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 6। तो जो चारों जीरोज हो गए फाइनली क्या हो गए, 4 जीरोज क्या आ गए आपके, 4 जीरोज ऑफ पी एक्स, कि पी एक्स पॉलिनोमियल के जो चारों जीरो आए वो क्या क्या आ गए, 2 और माइनस 2 तो गिवन थे, और अभी अभी जो दो आए हैं वो आए 5 एंड माइनस 6। तो ये चारों जीरोज हमने इस मेथड से फाइंड कर दिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप वो जो दूसरा वाला मेथड है जिसको मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उस मेथड को भी देखिए, इस मेथड को भी देखिए, जो आपको ईजी लगता है उसे अडॉप्ट करिए। आई होप स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल जाए। थैंक यू सो मच।